मेरे पास मोंटू से भयंकर परी का डंड वापस लेने की युक्ति है। डबलम यंत्र? डबलम यंत्र, ये यंत्र में कोई भी चीज डालो तो ये यंत्र वो चीज बिल्कुल वैसी ही एक और बना देता है। रोहित, अब हमारे पास भी अपनी जादुई छड़ी होगी। बालवीर ने हमारी कितनी बार मदद की है, तो इस बार हम उसकी मदद करेंगे। हम छीनेंगे मोंटू से ये जादुई छड़ी। छीनूंगा तो मैं चैन इस मोंटू का, जैसे है छीना इसने मेरा। मैं चुपके से जाती हूँ और वो जादुई छड़ी चुपके से उठा लेती है। अरे मेरे रुक! अरे रुक! मैं रुक! ये क्या हुआ? अरे मेरी तो चोरी हुई ना, और चोरी करना तो पाप है। तो ठीक है मानव, मैं मोंटू के पास ऐसे चल के जाती हूँ और उससे कहती हूँ, मोंटू प्लीज मुझे जादुई डंड दे दे, और वो दे देगा, राइट? हाँ चल, मैं भी चलता हूँ। लेकिन मैं, तुझे लगता है कि मोंटू हमें दे देगा? नहीं ना। अरे सॉरी, नहीं ना, इसलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा कि उसे बिना पता चले हमें वो जादुई डंड मिल जाए। पता भी नहीं चलेगा इसे कि खिसक गई है इसके नीचे की जमीन। घूमे जाता अभी वो जादुई डंड लेने इस मोटू के बच्चे से। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। रुक मेहर, क्या हुआ? तो बोलो, क्या काम है, क्यों बुलाया मुझे? अंकल जी, आप दीवार पे कैसे चल रहे थे जी? जूते, चिपक चिपकू जूतों की मदद से दीवार पे चल रहा था। कैसे? अभी दिखाता। देखा देखा नीचे आ जाओ, चिपक चिपक जूते नीचे आ जाओ। प्रोफेसर, ये है बंटी। मेरे हाथ से इसकी मम्मी का कप टूट गया है, अब इसको इसी के जैसा एक और कप चाहिए, और मैंने इससे कहा कि आप बना देंगे। ये बुरबुर, ये तुमने क्या किया छुई मुई? चलो मेरे साथ। क्या हुआ प्रोफेसर अनोखे? क्या हुआ? छुई मुई, तुमने कहीं से मेरे उसके बारे में तो नहीं बता दिया? किसके बारे में? मेरे डेवलप यंत्र के बारे में छुई मुई। बताना ही पड़ा प्रोफेसर, वरना वो बच्चा रो रहा था, इसलिए आपको वो कप डबलम करना ही होगा। प्लीज जी, प्लीज जी, प्लीज जी, प्लीज। ठीक है,
मेरे साथ चलो। ये रहा मेरा डबला यंत्र। डबलम यबलम डबलम यबलम। तो दो आम। देखा हाँ, आंख फाड़ के देखा। तू तो डबलम अरे वाह। ये डबलम मशीन तो कमाल की है ना रोहित, इसमें कोई भी चीज डालो तो डबल होकर निकलती है। हाँ यार, वो लड़का भी इसमें गया और वो भी डबल होकर निकला। चल। नहीं नहीं, मुझे डबल नहीं होना है। चल बॉस के पास। अरे केवल, तू पागल तो नहीं होगे? पहले से ही वो मोटू हमें परेशान कर रहा है, तुझे एक और मोटू चाहिए। बे गधे, मैं ये कह रहा हूँ चल बॉस की जादुई छड़ी लेके आते। जादुई छड़ी हम इस मशीन में डालेंगे और फिर हमारे पास दो जादुई छड़ी हो जाएंगी, फिर एक तेरी और एक मेरी। अरे केवल, तुझे लगता है बॉस हमें वो जादुई छड़ी छूने भी नहीं देते और तू चाहते है कि वो जादुई छड़ी हम डबल करें? पहले समझाएंगे और अगर नहीं माने तो चुराएंगे। मतलब पर बाई हुक और बाई क्रुक, पर वो जादुई छड़ी तो डबल करके रहेंगे। अरे ये बच्चा कौन है? हाँ, और इसे अपने हाथ में कॉकरोच क्यों पकड़ के रखा है? ए, गैस के गुब्बारे। क्या कहा? गैस के गुब्बारे। फिर इतनी हिम्मत, तूने मुझे ये कहा? अभी तो सिर्फ कहा है मैंने, लेकिन अब जो करूंगा उसके बाद तुम भी सचमुच हवा में गुब्बारों की तरह उड़ने लगोगे। ए पिड्डी,
हवा में तो मैं तुझे उड़ाऊंगा, समझा? अच्छा ये ले। बच्चे ने उठा लिया, इसे क्या पता ये जादुई छड़ी कितनी खतरनाक है। ए पिद्दी, वो छड़ी तेरे खेलने की चीज नहीं है। वो मैं दूंगा। अच्छा, दूंगा तो मैं अब तुझे। हे जादुई दल, गिरा दे इस मोंटू पे बिजली। ओके ओके ओके। ए मैंने कहा था ना ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। मानव उठा। मानव तू डर मत, उठा। मानव मैं कह रही हूँ उठा। अरे उठा। अगर इससे हम मोंटू पे जादू करेंगे तो उसका असर मुझ पे होगा ना। अरे हाँ, भागो। अब हमारे पास भी अपनी जादुई छड़ी होगी। हाँ चल उस प्रोफेसर अनोखे के पास चलते। हाँ चल चल। ये समय तो बीत ही नहीं रहा है, कैसे करूं अपने अंदर के तूफान को शांत। जब तक मैं दूसरों की जिंदगी में बवंडर नहीं मचाती मुझे चैन नहीं मिलेगा।
शांत बवंडर परी शांत। हम आपके लिए खुश खबरी लाए हैं भवंडर परी। क्या खुशखबरी है जल्दी बताओ। कान तरस गए मेरी अच्छी खबर सुनने के लिए। भवंडर परी खुशखबरी ये है कि आपने जो हमें दुष्ट दीमक दी थी हमने जाकर वो इतिहास की किताब पर डाल दी और उस दीमक ने उस इतिहास की किताब को मिट्टी का ढेर बना दिया। अब भवंडर परी हम पे किसी को संदेह भी नहीं हुआ। यही तो बवंडर परी की खासियत है। जब तक सामने वाला मेरे बवंडर में पूरी तरह फंस नहीं जाता उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी तरफ कितना बड़ा खतरा आने वाला है। ठीक कहा आपने भवंडर परी, लेकिन असली जीत आपकी तब होगी जब आप भयंकर परी का वो जादुई दंड हासिल कर लेंगे। तो जल्दी बताइए भवंडर परी, क्या आपको तौबा तौबा से उस दंड के बारे में कुछ पता चला? नहीं, मुझे भी उसी का इंतजार है। हमने आपसे कहा था ना भवंडर परी कि तौबा तौबा वो बेवकूफ कुछ करने लायक नहीं है। भवंडर परी अब जो भी करना है आप ही को करना है और वो भी बहुत जल्दी। सही कह रही हो तुम दोनों। अब वक्त आ गया है भयंकर परी के दंड को हासिल करने का। अब समय आ गया है बालवीर के साथ आमना सामना करने का। बवंडर के आने से पहले की शांति खत्म होती है। अब तूफान आएगा और मिट्टी में मिला देगा अपने दुश्मनों को। वाह मेरे शेरो वाह, मुझे आज तुम दोनों पर बहुत गर्व हो रहा है। और मुझे तुम पर बहुत गुस्सा। क्या गर्व है कि आप हमारे बॉस हो। तुम दोनों ही मेरे सच्चे दोस्त हो। मेरी जादुई छड़ी वापस लाई और मानो मैं तुम दोनों को बहुत शौक है ना हीरो बनने का। हाँ मैं जो भी काम करता हूँ उसमें तुम अपनी टांग अड़ा देते हो। आज के बाद तुम मेरे ही नहीं किसी के भी काम में नहीं टांग अड़ा सकते। तुम क्या समझते हो बालवीर तुम्हारा दोस्त है तो तुम खास बच्चे बन गए? नहीं, तुम भी एक आम बच्चे हो। आम से याद आया, आज तुम दोनों को मैं आम बनाने वाला हूँ। देखो मोंटू, देखोगी तुम मेहर। तुम्हें अब कोई नहीं देख पाएगा। वो क्या है ना, मैं तुम्हें आम बनाने वाला हूं ना, इनमें से किसी पेड़ों पे दो दो आम की तरह लटके रहोगे। मंसूर देखो हम बालवीर को बुलाएंगे। हाँ हाँ बुलाओ, जिसे बुलाया ना बुलाओ, बुलाओ अपने बालवीर को। लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब तक मेरे पास मेरी जादुई छड़ी है। ये जादुई छड़ी मानव मेहर को बना दे आम। जादुई छड़ी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.